बुधवार व्रत कथा विधि विधान। बुध ग्रह की शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत रखना चाहिए तथा श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन से बुध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में दिन में एक बार ही भोजन करें। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, दीप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के पश्चात प्रसाद लें, बीच से ना उठें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन नहीं जाते। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, आज के दिन बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारा कहा मानो बेटा, आज के दिन बाहर मत जाओ। वह व्यक्ति नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से पीने हेतु पानी मांगा। उसका पति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा, अरे बहन, तुम्हारा असली पति कौन है? तुम्हें कौन बिहा कर लाया है? इनमें से पहचानो असली कौन है और कौन नकली है। उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह खुद हैरान थी कि वह किसे अपना पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, हे भगवान, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है, सच्चाई का पता नहीं लग रहा है। हे भगवान, कुछ करो भगवान, मेरी सहायता करो, हे प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन है और तुझे बुधवार के दिन गमन नहीं करना था, लेकिन तूने जिद करी, किसी की नहीं मानी। यह लीला बुध देव भगवान की है, जा तेरा वो ही कल्याण करेंगे। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब मनुष्य के रूप में आए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को घर ले आया। इसके पश्चात पति पत्नी बुधवार व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है।